अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देख रहे हैं आप अलीगढ़ कॉलोनी औरंगी टाउन, ये हमारा पानी देख रहे हैं आप, गिर रहा है यहाँ पे पानी पानी है। और ये देखे डूब रहा बंदा, ये बंदा डूब रहा है, देखे आप देख रहे हैं पकड़ इसको किस तरह है, ये देखो इसको हमें इसको पकड़ो। वैसे और ये अलीगढ़ कॉलोनी और औरंगी टाउन कराची, ये पानी आप देखें सारा दुकानों में भी गया है और घरों में भी लोगों के गया है, और ये हर साल का मामूल है कि एंड टाइम पे बिल्कुल सफाई वगैरह के इंतजाम किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये हर साल का मामूल है लोगों की दुकानों में पानी जाना, और इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लाखों का नुकसान है लोगों की दुकानों का, लाखों का नई नई चप्पलें, लोगों के घरों के सामान, कीमती सामान, कीमती अशिया जितनी भी है सब लोग यार आ रहे हैं। और यहाँ पर कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हर जगह से नाला बफर चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के तक मुकम्मल पानी भर चुका है। मैं अफगान का बिल करता हूँ कि कब ये वर्क करेंगे, कब इंप्रूवमेंट का खात्मा होगा और कब ये नाले की सफाई होगी। 30 सालों से हम लोगों ने इनको वोट दिया है और 30 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MPA, ना यहाँ के काउंसिलर, ना यहाँ के चेयरमैन कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि आए जायजा ले, ये देख सकते हैं ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई दरिया सिंध नहीं है, ये आबादी के संदर्भ गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान बन चुका है।